जय श्री सबको। मैं वंदना हूँ और हमारा ग्रुप नंबर 4 है। तो ये एक नया अनुभव दिखा मुझे आज, और इस अनुभव में मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हमारे ग्रुप में जितने मेंबर्स थे, हम सब ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया, तो उसमें से सबसे पहले मैंने प्रार्थना शुरू करते ही मेरे गर्दन में दर्द शुरू हो गया, हम लोगों ने प्रार्थना किया, हमारा प्रार्थना ख़त्म होने तक वो दर्द दूसरे तरफ चले गया। वो दर्द, वो बहन कैंडिडेट है अपने, और खड़े हो जाइए प्लीज़। इनको सडनली गर्दन में दर्द शुरू हो गया, और जैसे प्रार्थना में प्रार्थना होने के बाद मैंने पूछी कि किसको गर्दन में दर्द है, तो इन्होंने बोला मुझे दर्द है करके, और उसी समय मेरा दर्द यहाँ से गायब हो गया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती कि कुछ मुझे नया सीखने को मिला है। और लोगों के साथ, लोगों के लिए भी प्रार्थना की है। तो एक बच्चे ने, बच्चा जो हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे ऐसा फील हुआ वो बच्चे के मन में बहुत दुख है। दुख मीन्स इस टाइप का कि वो अपने परिवार को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस है, मतलब बड़ा बेटा है घर का। और वो बच्चे ने बोला कि मुझे रात को डर लगता है, मैं डरता हूँ रात में, और चिंता है उसको घर के परिवार, मम्मी पापा के काम के बारे में उसको चिंता है। तो वो भी मुझे प्रार्थना करते समय ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वो बच्चा कुछ चिंता में है, मन में चिंता है उसके। और हमने प्रार्थना होने के जैसे पूछा, तो वो बच्चा ने बोला सही है, ये मुझे है ऐसा प्रॉब्लम है करके उसने बता दिया। और उसके बाद फिर और एक दीदी से भी प्रार्थना की है, तो वो दीदी का भी वही प्रॉब्लम, मतलब ऐसा था मन में बहुत टेंशन और डर। उन्होंने बताया कि मन में डर रहता है, प्रार्थना करते हैं वो, फिर भी कभी कभी प्रार्थना में कमज़ोरी आती है, तो विश्वास में थोड़ी कमज़ोरी मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो वो भी उन्होंने मान लिया इस बात को। उसके बाद और एक बच्चा था जो सामने बैठा है, वो प्रार्थना की है हम लोगों ने, तो उसमें भी मुझे वही महसूस हुआ। उनके पापा देखी नहीं मैंने, लेकिन ऐसा लगा उसका पापा, एक शब्द ऐसा मुझे मिला पापा। अब मैंने प्रार्थना होने के बाद उसको पूछा पापा, तो बताया कि पापा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो दर्द है, पापा अभी 3 साल पहले डेथ हुआ कोरोना में, तो वो मन में पकड़ के है शायद। इसलिए मुझे वो दर्द महसूस हुआ कि वो बच्चे के दिल में वो दर्द है। तो ये प्रभु ने जो शायद ये मुझे कुछ वरदान दिया होगा, मुझे बताएंगे अभी कि वो शायद वरदान होगा कि तो मैं भी कभी इसके पहले ऐसा प्रार्थना नहीं किया। आज वो लोगों ने खुद ही मुझे लीडर चुना ग्रुप में, और मैंने वो महसूस किया कि मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, और मैंने प्रार्थना किया, वो कहाँ से आया मुझे भी नहीं मालूम। मैंने अपने मुंह से जो भी प्रार्थना करते गए बस प्रार्थना किया। और भी जो कैंडिडेट है, और एक वो कैंडिडेट का भी ऐसा ही हुआ कि वो मन में, उनके भी मन में टेंशन है परिवार के प्रति, तो वो भी मुझे ऐसा लगा कि पहली बार जब इसके पहले जब हुआ था ना, सबको हम लोगों ने प्रार्थना की है, लेकिन वो कैंडिडेट को प्रार्थना करते समय मेरे आंख से आंसू आया और मैं रो दी थी प्रेयर में। वो क्यों आया मुझे नहीं मालूम, बस मैंने रोई, और सबके लिए भी प्रार्थना की तभी नहीं रोई, बस वो कैंडिडेट के लिए मैंने प्रार्थना की तो रोई, और वो रो। अब भी मुझे प्रार्थना करते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ, उसके उसी समय से मेरे को मन में फील हो रहा था क्यों मुझे रोना आया, क्यों मैं रोई। सबके लिए भी प्रेयर किया अपन ने, लेकिन मुझे तभी नहीं रोना, किसी के लिए भी रोना नहीं है, पर इनके लिए क्यों रोना आया, ये सवाल था मेरे मन में। फिर अभी फिर वापस से प्रेयर करते समय मुझे यही महसूस हुआ कि वो परिवार के प्रति कुछ चिंतित है, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया है उनका चिंता है परिवार के बारे में। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, गॉड गिफ्ट कुछ तो भी शायद मिला होगा मुझे। धन्यवाद।